नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार शब्द सागर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 6 सबसे पहले लिया है। यह एक कविता है जिसमें योजक चिन्ह वाक्य निर्माण के बारे में बतलाया गया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार शब्द सागर का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार शब्द सागर में विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और भाषाई कौशल को भी बढ़ाते हैं और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और सीखने में मस्त रहते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, संप्रेषण कला, आत्मविश्वास आदि गुणों का विकास धीरे 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 बच्चों में होने लगता है इस नवाचार के कारण। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि पाठ के निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में हो चुकी हो नवाचार के क्रियान्वयन के पहले। नवाचार के क्रियान्वयन के समय शिक्षक एक डिब्बा लेके आते हैं कक्षा में और बोलते हैं, जो भी आपने पाठ पढ़ा है और समझा है उसके आधार पे जो शब्द आए हैं, जो योजक शब्द आए हैं, जैसे फर फर या फिर चहक चहक, जो शब्द एक से हैं और बीच में डैश लगा हो, ऐसे शब्दों को या कोई पशु पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, वो ऐसे जो शब्द हैं जो पाठ में आए उसको आप इस लिख के पर्ची बना के इस डिब्बे में डाल दीजिए। बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसी पर्ची बना के डिब्बे में डाल देते हैं। फिर दूसरे दिन शिक्षक उस डिब्बे के साथ आते हैं और बच्चों से बोलते हैं, क्यों ना हम इस डिब्बे को सजाते हैं, आकर्षक बनाते हैं। फिर सभी बच्चों के साथ मिलके रंगीन कागज के साथ और दूसरी सामग्रियों के साथ उसको आकर्षक बना दिया जाता है, सजा दिया जाता है। फिर शिक्षक बोलते हैं, क्यों ना सब कुछ हम नाम दे देते हैं और सब सर्वसम्मति से उसका एक नाम शब्द सागर दे दिया जाता है डिब्बे का। एक विद्यार्थी को बुलाया जाता है और डिब्बे पे बड़े अच्छे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में शब्द सागर लिखवा दिया जाता है। फिर शिक्षक बोलते हैं कि चलिए हम एक खेल खेलते हैं। इस खेल में क्या करना होता है, एक एक विद्यार्थी आएगा, वो एक पर्ची निकालेगा डिब्बे में से और पर्ची में एक शब्द लिखा रहेगा और वो जो पर्ची जिस बच्चे ने डाली होगी उस बच्चे को दे दी जाएगी। वो बच्चा सामने आएगा कक्षा में सबके सामने और वो पर्ची में जो शब्द लिखा है उसके बारे में बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा आता है, वो एक पर्ची निकालता है, उसमें फर फर शब्द लिखा रहता है, तो उस बच्चे को वो पर्ची दे दी जाती है जिसने फर फर शब्द लिखा था। वो बच्चा सबके सामने आएगा, बोलेगा फर फर और बोलेगा कि चिड़िया फर फर करके उड़ती है। इस प्रकार का क्रियान्वयन नवाचार का कक्षा में कर सकते हैं। एक एक विद्यार्थी आते हैं और सभी अपने जो शब्द हैं उनके बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं और इस प्रकार से जब सभी बच्चों का क्रियान्वयन हो जाता है तो पाठ के जो योजक चिन्ह हैं, योजक शब्द हैं और जो जानवरों के नाम हैं, पक्षियों के नाम हैं, वो बच्चों को अच्छे से बनने लगते हैं। उम्मीद है कि नवाचार का क्रियान्वयन आपको पसंद आया होगा और अपनी कक्षा में भी आप इसका क्रियान्वयन जरूर करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और स्कूल की लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।